मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय कानून में ये अपराध है। पश्चिम बंगाल के डुअर्स और तराई क्षेत्र के हर टी गार्डन से कोई ना कोई मानव तस्करी का शिकार हुआ है। चाय बागान से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की तस्करी हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि चाय बागान में जो हाजिरी मिलती है उससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसी मौके का फायदा उठा के कुछ एजेंट और दलाल लोगों को बहला के फुसला के बाहर लेके जा रहे हैं और लोग मानव तस्करी के जाल में फंस रहे हैं। जब लोग मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं, वहाँ से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं रूबी आज एक बार फिर एक मानव तस्करी की कहानी आपको दिखाने वाली हूँ। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मालबाजार ब्लॉक की किसी एक चाय बागान से 15 साल की बच्ची अर्पिता, जो उनका बदला हुआ नाम है, वो पिछले एक साल से लापता है। आज हम बात करेंगे उनके माँ से और जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है। चाय बागान में काम करती हूँ। आप कितने साल से चाय बागान में काम कर रही है? 6 साल हो गया मेरा। सुबह कितने बजे काम पे जाती है आप? 7:30 बजे। और आते हैं कितने बजे? शाम को 4 बजे, 4:30। आप क्या चाय बागान में परमानेंट वर्कर है? हाँ। और आपके घर से दूसरा कोई चाय बागान में काम कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं। आपके घर पे टोटल कितने लोग हैं? हम लोग के घर में 5। कौन कौन? मेरा बेटी, 3 बेटी, और मेरा पति है और मैं। आपके पति क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं करता है। तो घर चलाना क्या आपके ऊपर ही है? मैं ही चलाती घर। मुश्किल हुआ लोग के, बहुत मुश्किल हुआ काले मच्छों के, पढ़े के निशा कौन हुए, और हाथ में पैसा भी नहीं रहेला। आपकी जो 3 बच्चे हैं, वो सभी क्या स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं स्कूल में पढ़ते हैं? मोर जगह पैसा वैसा नहीं रहेगा, मैं पढ़ाई नहीं सका था सुबह उनके। आपकी 3 बच्चे क्या घर में ही है फिलहाल? नहीं, एक वाला है राय जाए। कितना दिन से आपकी बेटी खो गई है? 1 साल हो गया उसको। आपकी बेटी खो गई है, उसके बाद आप लोगों ने FIR किया था? हाँ, कई बार। कितना दिन बाद आप लोगों ने FIR किया, कुछ बता सकते हैं? 14 दिन में। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बहुत सारी NGO और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अभी स्कूल में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके अवेयरनेस कैंप हो रहा है, साथ ही साथ चाय बागान और बस्ती एरिया में भी अवेयरनेस कैंप हो रहा है, जिससे कि लोग सचेतन हो। वीडियो वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन से नॉर्थ बंगाल के चाय बागान में कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग टॉक का एक कैंप चला रहे हैं। इस कैंप को करने का हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को समझाना मानव तस्करी क्या है, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी के शिकार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम सबको ये याद रखना होगा कि मानव तस्करी किसी का भी हो सकता है। अगर 18 साल के नीचे किसी का मानव तस्करी हुआ है तो आप 1098 पे कॉल करके अपना मिसिंग कंप्लेन कर सकते हैं। तो थाना से क्या बोला गया था आप लोगों को? उसके बाद कभी आप लोगों ने थाना और दोबारा गए हैं? हाँ। कितना बार गए हैं? 2 बार गए हूँ। कहल की मैं अथे खोजा थी हमीन के है खाली सपने खाली कहला। आपके गांव के जो प्रधान है, पंचायत मेंबर है, उनको इस बारे में पता है? आप उनके पास गए थे? जाए रहो, 2 बार जाए रहो, तो कहे ना मन खोजा था कहला। आपकी बेटी जब घर में थी तो किसी के साथ झगड़ा, कोई अनबन ऐसा हुआ कभी? नहीं, झगड़ा घर में घर में नहीं रहते रहे, मैंने कि मोर बहन घर जाए रहे तो हुआ। कौन से जगह पे? फटकम। अच्छा, तो हुआ जाए के उठो आला गया, मैं बोला लो कि हाँ आला को करवा दो, तब थी कहला कि वो छोड़ी तो ऊपर से फटते भी लगे ना। और कौन से छोड़ी से? आपके गांव का ही किसी से? अच्छा, तो ऊपर से मिले गया तो कहला कि माँ मैं जा, तो मैं कहला जा, तो धमाधम से पढ़ के उठो निकल, तो कर बाद में लड़की तो कहला कि छोड़ा तो चल रहा, छोड़ा आला कहला को लेकर धमाधम निकल गया। कहाँ से निकल गया है? आपके घर के सामने से ही? यहाँ से निकल के उठो गाड़ी चढ़ला, यहाँ से तब यहाँ से चल के उठो गया माल तक।
माल से जाए के तब छोड़ा अथी पुगला करू के स्कूटी में बैठा ले। इस बारे में जानकारी आपको किसने दिया कि आपकी बेटी वहां से गई है बोल के, आपको कैसे पता चला? वीडियो भी करके दिया है, लड़का भी बताया है यहाँ का लड़का। वो वीडियो आपके पास है? हा? आपने थाना में वो वीडियो दिखाया? हाँ, था दिखाया। क्या बोला तब थाना से? थाना से बोला है कि हम खोजेगा इसको। मोबाइल फोन यूज करती थी आपकी बेटी? हाँ। घर का ही मोबाइल था या उनका पर्सनल कोई फोन था? वो यूज करती थी। फोन में घर पे कभी आपको ऐसा लगा कि फोन में ज्यादा बात कर रही है? नहीं, और हुआ गला से तो आला आए थे बाद में उठो थोड़ा सा बत्तिया लग भी के। जो बेटी आपका खो गई है उनके जो स्कूल के दोस्त वगैरह थे उनसे आपको कुछ जानकारी मिला? नहीं। आपके जो मतलब रिश्तेदार है उनसे कुछ जानकारी मिला है आपको? कर सब पूछ लो, कोई नहीं बता नहीं। आपको क्या लगता है? ऐसा कोई था कि जिसके साथ आपकी बेटी ज्यादा घुलती मिलती थी? हाँ, वो लड़की के साथ। तो उसको कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में? आपको लगता है कि वो जानती है? आपने पूछने की कोशिश की थी? इस बारे में आपने थाना में बात किया था? पुलिस भी आई रही है तब उनको छोड़ी के बैठा लखिया तब पूछला तो कहा थे नहीं जाना नहीं कहा था। फिलहाल मैं हूँ माल बाजार पुलिस स्टेशन में और माल ब्लॉक के किसी चाय बागान से एक बच्ची मिसिंग है। एक साल से ज्यादा समय हो गया है। FIR हुआ था इस केस के बारे में लेकिन उसके बाद कुछ अपडेट नहीं था, कुछ काम नहीं हुआ। तो उस विषय को लेके आज मैं उनके माँ के साथ थाना आई हूँ और थाना में हम लोगों ने बात किया। क्या बात हुआ है हम सुनेंगे जो लड़की मिसिंग है उनके माँ से। आज जो आप थाना आए थे आपकी बेटी लापता है उस बारे में बात करने के लिए, तो थाना से आपको क्या बताया गया है? बताला कुछ कि कहला कि पूरा कोशिश कर थी तो कब कर के देखो थी कैसे। और कुछ आपको इसके बाद कुछ और बताया गया है? हाँ। क्या बोला है? बड़ा बाबा से घरी एक हफ्ता बाद आप बात से कर। एक हफ्ता बाद किसके साथ मिलने के लिए बोला है? बड़ा बाबू। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? तुम्हारी बेटी चैला और अच्छा से पढ़ी लिखी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और भी कुछ करना ज़रूरी है। अगर ये आपको लगता है तो प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपके चाय बागान से भी बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जिस भी मुद्दे पे मैं काम करूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं रूबी शाह पश्चिम बंगाल से, इंडिया अनहर्ट के लिए। थैंक यू।